हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आज की जो वीडियो है उसका कुछ नहीं पता। हो सकता है कि वो हमारी आखिरी वीडियो। गाइस, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसा चैलेंज करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई। ऐसा जो चैलेंज है वो अपने आप में सोच करके दिमाग को हिला डालता है, और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में बाकी लोग भी। आ जाओ भाई। तो भाई, हमें कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है इस एकदम ठिठुरती हुई सर्दी में, हम कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन आप लोगों ने कहा था कि 100 में 24 घंटे चैलेंज करो, तो भाई हमने कर लिया उसको एक्सेप्ट। यार पता नहीं गाइज ये चैलेंज कैसा रहेगा, हम इसको पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आई डोंट नो। फटाफट से शुरू करते हैं। सब लोग इस वीडियो के लिए गाइज लाइक का बटन जरूर से दबा देना। शायद सबसे खतरनाक चैलेंज आज का। दोस्तों, चैलेंज को 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और हमारे जूते ठंडे हो चुके हैं, हमारे कपड़े ठंडे हो चुके हैं, और वैसे हमारे पास में बैग्स के अंदर जो है जो स्नो वाले कपड़े होते हैं वो हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो रात को काम करते हैं नहीं करते। हमारे पास में अपना टेंट भी है, हमारे पास में कुछ और छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन भाई हम सिर्फ अपने खुद के हवाले हैं। भाई यहाँ पर आपको ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये है सारा हिमालय के पहाड़ जिनके ऊपर भी बर्फ जमी हुई है। और आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे इधर आओ भाई, ये देखो पेड़ के ऊपर बर्फ जमी हुई है। बहुत सुंदर लग रही है, मैं इसको ज्यादा नहीं छेड़ना चाहता लेकिन थोड़ा सा देख लेता हूँ। हाँ तो ठंडे हो गए। और अभी तो है दिन का टाइम, रात को क्या होगा ये सोच के ही हालत खराब हो रही है भाई। मैं भी बर्फ की तरह जम जाता हूँ। जमाना नहीं, बर्फ में दबाएंगे। अबे साले। दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये है सेब के पेड़। ओए, तुम हमारे साथ आना चाहते हो इस एडवेंचर पे? क्यों नहीं। चलो तुमको सेब के पेड़ दिखाता हूँ। भाई बर्फ, ओ भाई बर्फ। हाँ सेब के पेड़ है। और भाई एक ही कुत्ता पता नहीं कहाँ से आ गया है। अरे यार ये तो बहुत प्यारा रोग है भाई। इतनी ज्यादा ठंड में ये जो कुत्ता है ये यहाँ पे मस्त तरीके से काटेगा तो नहीं ऐसे तो यार। गाइस चैलेंज में हम 6 लोग थे, अब 7 हो चुके हैं। चलो इसका नाम गाइस, इसका गाइस 2-3 डॉग्स और यहाँ पे आ चुके हैं। और तेरी कहाँ से आ रहे भाई? चैलेंज में कितने लोग हो गए? गाइस चैलेंज में 6 की जगह 9 लोग हो चुके हैं। लग रहा है मेरे को भाई ये तो पूरा भेड़िया है। ओए ऊपर आओ, देखो कितने सारे सेब के पेड़ है यहाँ पे। ओ ना नहीं भाई, मेरे पैरों की उंगलियां एकदम ठंडी हो चुकी है भाई। हाथ लाल हो गए एकदम। यहाँ पे टेम्परेचर गाइज अभी जो है माइनस में है। गैस करो कि ये क्या है। ये है गाइज हमारा फ्रिज, और इसके अंदर है गाइज ये पानी की। रुको रुको, ऐसे नहीं खोलते इसको, इसको ऐसे खोलते ऐसे। ये आ गई, ये थी गाइस एकदम ठंडा ठंडा चिल चिल्ड पानी। पकड़ नहीं जा रहा हाथों में, पकड़ो। हम लोग सरवाइव कर पाएंगे, पूरा स्नो है, पूरा बर्फ बर्फ है। ये 2-3 लोगों की कुछ फट गई। क्या फट गई भाई? पैंट फट गई। सब कुछ फट रहा है। फिलहाल जो है मेरा पैर मुझे महसूस नहीं हो रहा, पैर की उंगलियां जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। मेरे भी बहुत ठंडे हो रखे हैं ऐसे तो। देखो भीग गए भाई, देखो पानी दिख रहा है आपको इसके ऊपर, इधर उधर धस रहे। मजा तो आ रहा भाई, एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है, बहुत नया एक्सपीरियंस है आज। और भाई यहाँ पर पता है एक एप्पल पड़ा हुआ है जो कि ऊपर इस पेड़ से गिरा होगा, उठाओ इसको। और ये जो है सड़ चुका है भाई, मेरे जूते में स्नो घुस गई है। तो भाई हम लोग अब सीरियसली एक खतरनाक जगह आ गए हैं, बहुत ज्यादा स्नो है और हम लोग इसमें चले जा रहे हैं भाई। और गाइस ये है हाथ गर्म करने की निंजा टेक्निक। क्या करें गाइस, अब कुछ गर्म चीज बची नहीं है हमारे पास। गर्म चीज शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। एक ही चीज है जो गर्म रहती है गाइस, ये प्राकृतिक हीटर। ये कहां चैलेंज पूरा करेंगे भाई, इसे बर्फ कहते हैं। गिराओ इसको, गिराओ, ये बोल रहा है इसे बर्फ कहते हैं, इसे बर्फ कहते हैं। Yeah!
ये है हिमाचल प्रदेश की ठंडक। आप जो सोच रहे हो ना उससे बहुत ज्यादा उत्तरी बहुत ज्यादा ठंड है। और भाई जो भी आप लोग अगर चाहो ये चैलेंज करना, कौन कौन ये चैलेंज कर सकता है वो कमेंट करके बताना भाई। थोड़ा सा जगह देखनी पड़ेगी ताकि हम शांति से रह सके रात को। भाई बर्फ का चैलेंज एक तो यार ठंड इतनी खतरनाक है, सर्दी का मौसम है, ऊपर से यहाँ तो भाई एक्सट्रीम सर्दी है। जब चैलेंज शुरू हो रहा था ना तो डिसाइड कर रहे थे कौन जाएगा कौन जाएगा, तो हम मजे मजे में आ गए क्योंकि हमें चैलेंज लेने का बड़ा शौक है। ये फंस गया सी है। और भाई उस चक्कर में फंस गए। राहुल क्या हुआ? और राहुल की हालत खराब हो गई। राहुल की हालत खराब हो गई है। अरे इसको पहले बोला था कि तू मत चल यार, तेरी तबीयत वैसे खराब है। क्या हो गया बता बता बता। सर्दी लग रही है यार मेरे को। भाई सर्दी बहुत ही एक्सट्रीम है और अब शाम का मौसम हो गया है तो अभी जो टेम्परेचर है वो -7-8 degrees या -10 degrees में। हाथों को कहाँ डाल रखे हैं देखो भाई, इतनी बुरी हालत है हाथ और पैर की तो पूछो ही मत। चल 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 तो उधर चलो 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 सुन, तू कर पाएगा नहीं, इधर देख कर पाएगा चैलेंज है। भाई ये जब से आया तभी से ही वैसे ऐसे कह रहा है लेकिन अब ये जो है ज्यादा परेशान हो चुका है। चलो देखते हैं, हम लोग जैसे कैसे डटे हुए हैं, हालत हमारी बहुत खराब हो चुकी है भाई, फेफड़ों में हवा भर चुकी है। चलो चलो चलो। तो भाई हम लोग घूम फिर के वापस से उसी जगह आ गए हैं और अभी थोड़ी देर बाद में चलेंगे यहाँ ढूंढने कोशिश करते हैं, जहाँ थोड़ी बर्फ कम हो वहाँ रुकने की कोशिश करेंगे। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है यार, अब रात हो जाएगी। और भाई कोई समझ नहीं आ रहा है क्या होगा यार, कि यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका सहारा लिया जा सके। और अब हवा और चलने लग गई, ठंडी हवा चल रही है, मेरे को अब टेंशन हो रही है बहुत तेज। ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पैर यहाँ से काट लिया गया है ही नहीं, उंगलियाँ यहाँ से गायब है ही नहीं, कान जो है वो यहाँ से काट लिए गए है ही नहीं। तो गाइस हमने अपने बूट्स वगैरह निकाल लिए, इन लोगों ने तो पहन भी लिए, हमारे पास में ग्लव्स भी हैं और ये है सॉक्स जो कि अब हमको बचाएं क्योंकि नहीं तो भाई हम यहाँ सर्वाइव कर नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। अभी थोड़ा रिलैक्स मिला है लेकिन मेरे जो पैर है ना गाइस वो और भी ज़्यादा ठंडे हो गए हैं क्योंकि मैंने जूते या बूट्स कुछ नहीं पहने। मुझे वो लोग याद आ रहे हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं भाई। अब जो है मुझे लगता है 15 से 20 मिनट में आधे घंटे में एकदम अंधेरा हो जाएगा, अभी आसमान में रोशनी है और पहाड़ जो है ना वो चमक रहे हैं, वाइट वाले पहाड़ अलग ही दिख रहे हैं कि ये बर्फ है और नीचे भी देख सकते हो आप लोग पूरी स्नो है। हाँ और एक खास बात और बताऊं, शायद ये पहला चैलेंज होगा कि पूरा दिन निकल गया किसी ने एक घूंट पानी नहीं पिया, पानी लेके आए हैं किसी ने एक घूंट पानी नहीं पिया, ना कुछ खाना खाया। हाँ आप क्या विचार है स्नोमैन? ओ मैं मच गया। पूरे तरीके से रात हो चुकी है और अब मुझे नहीं लगता कि हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे ऐसे, क्योंकि हवा चल रही है, ठंडी हवा बॉडी पे लग रही है, खासकर फेस पे, क्योंकि फेस पे ऐसे कवर करने के लिए कुछ भी नहीं है तो हवा को रोकने के लिए हमको टेंट लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हमारा टेंट, खोलो भाई तो फटाफट से तानो रे यार। तो गाइस फाइनली जो टेंट है वो हमने कर लिया तैयार, चलते हैं इसके अंदर, बाहर है भाई बहुत ठंडी। ओए घुस जाओ यार सब लोग, अंदर हवा नहीं है भाई, ये बहुत अच्छी बात है, अंदर कोई भी हवा नहीं आ रही है गाइस। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, अभी जो बर्फ़ है वो भी बहुत हार्ड हो चुकी है और सब लोग आ चुके टेंट के अंदर, तीन इधर रहे और हम तीन लोग इधर रहे भाई। अरे भाई अंदर आके तो सही हो गया काम यार, बाहर हवा चल रही है और पूरी हवा इसने रोक ली और हमारी जो अंदर की गर्मी है वो भी रुक गई है यहीं पे। अब भाई हमें जो ठंडी लग रही है
वो लग रही है सिर्फ नीचे। हाँ भाई, हमने अब ऐसा लग रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है ऐसी आफत क्यों मोल ले ली। और भाई भूख लग गई है बहुत तेज। अरे वो ये अपनी यार पानी की कुछ बोतल बाहर रह गई है। तो भाई अब ग्लव्स निकाल दिए हैं और फाइनली ये जो बर्नर है ना, इसकी आग दिखती नहीं है, लेकिन ये जो आग है ये बहुत अच्छे से गर्मी दे रही है। पूरे टेंट को इसने गर्म कर दिया भाई। हाँ अंदर तक हो गया भाई, चड्डी गीली हो गई। तो वीडियोस देखते हैं ना जैसे बर्फ मारते एक दूसरे के, कितनी तो अच्छी लगती है। अब पता चले यहाँ कोई आके बैठे। मेरी आंखों में जलन हो रही है बहुत तेज, पैरों में दर्द होना ही बंद हो गया। गाइस उकड़ो बैठ के, पैरों में दर्द होना ही बंद हो गया। स्नोमैन होता है ना, है ना, जब रात उसके पास जाते हैं ना, उसके हाथ में उसके अंदर आता है। किसके हाथ में? स्नोमैन की। अरे यार मैंने अंकित ने बताया आत्मा अपने, स्नोमैन जो है वो एक निर्जीव वस्तु है, कृपया इन बातों के ऊपर यकीन नहीं करें। तो भाई हाँ, एक बार मैं बाहर का नज़ारा भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या हाल चल रहा है बाहर में। गाइस सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं बाहर आया हूँ, इसको पकड़ लगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए हालत क्या है। जो स्नो दिन में मतलब ऐसे एकदम सॉफ्ट थी, वो एकदम हार्ड हो गई है। अगर मैं इसको तोड़ना भी चाहूँ तो ये टूट नहीं रही है गाइस। क्या इतनी हाँ, टाइट हो गई? ये देखो। ओहो। और ये देखो, ये जो स्नोमैन इन लोगों ने बनाया था मजाक में, अरे यार इसका इसकी टोपी देखो ये टूट नहीं रहा। बैठ जा मम्मी। क्यों आया? अरे क्या हो गया? ओए बैठ जा अंकित, चुपचाप बैठ जा। नहीं बैठ जा। ओए अरे रुक जा यार। ओए बैठो। अरे बैठो यार। ओ भाई ओए देख मेरी बात सुनो, बात ऐसी है अगर ऐसे करते रहोगे तो भाई नहीं होगा। बात ये है देख, आज तक एक बात बताओ, कितने चैलेंज कर लिए अपन ने, हैं किसी ने करी है किसी चीज में? वो किया है क्या आज तक? अरे एक्सट्रीम तो है भाई, यहाँ पे हो रहा है नहीं हो पाएगा। अरे भाई तू देख, अब सुबह होने में 4-5 घंटे हैं। 4-5 घंटे अगर देख लो, अगर तू थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है भाई, बाकी इतना विश्वास रख हमारा, कुछ भी नहीं होने देंगे, जो होगा सब साथ में है। यहाँ पे टेंशन मत लो कुछ, ठीक है? चारों तरफ बैठो भाई, हम लोग सब साथ हैं, कोई टेंशन जरूरत नहीं है। दिक्कत आई तो चैलेंज खत्म कर देंगे, चैलेंज जरूरी नहीं है, ठीक है? लेकिन बात ऐसी, अगर ये चैलेंज अपन पूरा करते हैं ना तो मजा आएगा इस चीज के अंदर। फिर सुन ना यार, ऐसे मत करो यार भाई, यार हम लोग हैं। अरे यार शिट, अरे यार उसको पकड़ के रखो भाई, इधर में इसमें गैस खत्म हो गई है। गाइस हमारा जो गैस स्टोव है उसके अंदर गैस खत्म हो गई, बहुत देर जल लिया भाई। ये देखो ठंडा हो गया, चिल्ड एकदम, ये देखो जम और गया। अब पता नहीं गैस खत्म हुई है या इसका प्रेशर वो हो गया, देखो पूरे में बर्फ जम गई है इसके ऊपर भी। अभी मैं आपको यहाँ पर टेम्परेचर दिखाने वाला हूँ, रोहतांग का जो टेम्परेचर है वो है गाइस -13 degrees। तो यहाँ का टेम्परेचर अराउंड -10 के आसपास है फिलहाल का, और हवाएं चल रही हैं, विंड्स अप टू 24 kilometers, 24 की हवा, ठंडी हवा बहुत ज़्यादा हो जाती है। अपना जो मोरल है ना वो तुमने डाउन कर रखा है भाई, मन के अंदर तो वो रखो यार कम से कम। आज वो कुत्ते आए थे, वो याद है? 3 कुत्ते आए थे, इतना मस्त लगा भाई। 3 कुत्ते आके हमारे साथ में, हमारी 6 की टीम को 9 करके चले गए और हमारे साथ मस्त खेल के चले गए कुत्ते तीनों, मज़ा आ गया। आज समझ में आ गया भाई, वो ठंड में कुत्ते या बिल्ली के बच्चे ऐसे ऐसे घुस घुस के क्यों सोते हैं? सर्दी नहीं लगती ऐसे? हाँ हाँ। अरे ओए, अरे भैंस नहीं बोला था, कुत्ता बोला था। अगर मैं बीमार हुआ ना हाँ। तो मेरे को पता है मेरे मम्मी मेरे को बहुत ज्यादा डांटेगी। तेरी मम्मी है ही नहीं यहाँ पे, अपन तो बहुत दूर है। हाँ तो घर पे जाएंगे, जब तक ठीक करा देंगे तेरे को। अभी भी पता है क्या हुआ, इतना कम टेम्परेचर हो रखा है और गिरे ही जा रहे है, हमारा जो कैमरा है ना वो ऑन ही नहीं हो रहा। यहाँ पर कैमरा देखो, माइक तो ऑन है इसका, लेकिन जो कैमरा है एक बार छोड़ियो, ये इसका ऑन ऑफ बटन है। अभी ये ऑफ है इधर पे, और ऐसे करेंगे तो ऑन पे आ गया, लेकिन जो डिस्प्ले है ना वो ऑन हो ही नहीं रही भाई। हाँ इतनी ठंड हो गई है, फोन अभी भी ऑन है, कैमरा बंद ही हो गया है लो टेम्परेचर की वजह से। अब मैं फोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने में।
तेरी, ओ तेरी, ओ भाई। गाइस बहुत खराब हालत हो चुकी है, बहुत खराब हालत हो चुकी है। देखो हवा जो है वो गाइस कैसे हमारे स्टैंड को उड़ा ले रही है, बार बार उड़ा रही है, इसको चारों तरफ से उड़ा रही है। और पूरी रात बहुत तेज हवा चली है, कभी कभी शांत हो जाती है फिर चलने लगती है। इस टेंट के अंदर तो ज़्यादा हवा नहीं आती, लेकिन ये टेंट बचा हुआ है हम लोगों की वजह से। बाकी लोग जो है जैसे कैसे करके रात काटे हैं गाइस। हमारा जो कैमरा है वो अभी भी ऑन नहीं हुआ, मतलब बीच में हुआ था फिर बंद हो गया, तो ऐसा सीन चलता रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनली सुबह हो गई है गाइस, तो सभी को गुड मॉर्निंग। बाहर का एक बार देखते हैं क्या हिसाब रहता है, निकले या नहीं निकले। ओए उठ जाओ रे, निकलते हैं बाहर। ये दोनों लोग ऐसे देखो कैसे लिपटे हुए हैं आपस में, और ये दोनों जो हैं ये ऐसे पड़े हुए। और रात को एक चीज़ हुई, अभी आप देखोगे तो हम पांच ही लोग हैं यहाँ पे, दो तो चार एक पांच। जो विकास है उसने क्विट कर दिया, वो नहीं कर पाया, तो रात को हमें उसको इमरजेंसी में वापस भेजना पड़ा और वो चला गया। तो अभी हम पांच लोग ही हैं, अब यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाहर निकल के अब इस जगह से दूर चलेंगे, क्योंकि हमारा चैलेंज भी पूरा हो जाएगा, मतलब आज रात को तो नहीं रुकना है कम से कम। तो कहीं मस्त जगह चलते हैं, कोई ऐसी जगह जो यहाँ से अलग हो, बोर भी हो चुके हैं यहाँ पे, और कम से कम जो ठंडी रात है वो गुजर चुकी है। बड़ी मुश्किल से चैन खोली जा रही है गाइस यहाँ पे। आ जाओ बाहर आ जाओ। रात को अच्छे से नींद भी नहीं आई, थोड़ी बहुत देरी नींद आई, लेकिन भाई ये बात है कि जब हम शांत होके बैठ गए कि अब यहीं रहना है ना, उसके बाद में दो ढाई घंटा हम लोग टोटल में, मतलब मुझे तो इतनी नींद आ गई, एक दूसरे चिपक विपक के, अब पता नहीं कितनी आई कितनी नहीं आई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ कुछ मेरी नींद पूरी हुई है। बर्फ आ गई है, सारा पहाड़ भाई तो यार धूप आ गई है, क्या बोल रहा हूँ मैं। गाइस हम एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां पर स्नो और भी ज्यादा है और यहां पर पेड़ है। गाइस यहां पे ये पानी है मेरे हिसाब से जो कि उधर तक जा रहा है, और ये ऊपर से आ रहा है, इसलिए इधर हम नहीं जाएंगे। ये लोग यहां पे बैठ गए हैं, और गाइस लगभग 3 घंटे और बचे हुए हैं अभी हमारे चैलेंज के, तो अभी थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करेंगे। बहुत दूर हम चल के आए। हाँ तो गर्मी लग रही है। नहीं 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 सर्दी लग रही है। बर्दे बर्दे अंदर भर दो। तो गर्मी लग रही है ना। बहुत बढ़िया। और लग रही है गर्मी। अरे यार बोलो ना, सर्दी लगने लग गई। हाँ बोल। सर्दी लग गई थी इसको, गर्मी लग रही थी भाई, तो इसको ठंड का ट्रीटमेंट दिया हमने। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहा है अब। देख रे के मैं तेरे पे आने वाला हूं सारे अपने ऊपर। और यहां पे गाइस आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूं, इधर आओ। दिखाओ कमाल की चीज। कमाल चीज कैसा लगा मेरा मजाक? ये है कमाल की चीज। गाइस यहाँ पर जो शूज है उसके अंदर ये बर्फ घुस जाती है, और देखो कैसी शेप में, अभी अंदर और भी है यार, पूरे जूते गीले हो चुके हैं क्योंकि बर्फ अंदर जाती है। कल भी ये कहानी थी, लेकिन कल बर्फ कम थी तो बूट्स में नहीं घुस रही थी, आज वो जो है भैया आप लग गई है। आप कहाँ घूम रहे हो यार, क्या है भैया? कॉफी गर्म गर्म भैया, ये कोल्ड कॉफी बन सकती है ना? इसमें रख दोगे सर कोल्ड बन जाएगी। राहुल कॉफी नहीं पीने का, आ जा। तो ये है स्नो, ये है कॉफी, और अब ये बन गई कॉफी फ्लेवर्ड स्नो। एकदम ठंडी। मजा आ गया। कॉफी तो गर्म थी, मस्त है भैया, ये तो ठंडी कॉफी है। आप तो बोल रहे थे हॉट है, आप तो गर्म बता रहे थे। सर मेरे पास हॉट है ना, आपके हाथ में जाने के बाद
फुल हो गया मतलब। ये लो जी, लेकिन भाई वाला जी फ्लेवर आ गया, गरम कर रहे हैं पैरों को, धूप और भाई पैरों को गरम किया जा रहा है यहाँ पे भाई। आराम से। थैंक यू भाई। और भाई पहाड़ पे बैठ के मैगी खाने का मजा ही और है। पहाड़ पे नहीं, बर्फ में, बर्फ पे वो भी। मैं तो जल्दी जल्दी खा रहा हूँ, ये ठंडी ना हो जाए कहीं। वीडियो बंद करो, मैगी खा रहा। और ये सब कुछ जो है गाइस, ये साथ में रहने की वजह से भी हो पाए, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता, जान नहीं बची बिल्कुल भी गाइस। अब लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सब लोग। आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। 33-34 डिग्री चल रहा तापमान अभी गाइस, और ये ठंडी बर्फ हमें सफेद दाढ़ी भी बनाती बूढ़ा।